हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रमेश ज्योति और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ एंड आज है गणेश चतुर्थी और अभी हम जाएंगे गणपति पापा को लेने के लिए। सो मैंने सोचा कि जैसे हर साल मैं गणपति ब्लॉग शेयर करती हूँ, मैं ये टाइम भी गणपति ब्लॉग शेयर करूंगी। तो एज यूजुअल आज के दिन मैंने साड़ी पहनी है, मैं गणपति जिस दिन आती हूँ उस दिन साड़ी पहनती हूँ एंड आई ट्राइड दिस नोज रिंग फॉर सेकेंड टाइम। सो यस, चलिए जाके गणपति पापा को लेके आते हैं। आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट वेट। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। सो गाइस, हम गणपति पापा को लेके आ गए फाइनली एंड मैं वापस इसी जगह पे बैठी हूँ क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा शोर है और मैं अभी चरकेस पे आके व्लॉगिंग कर रही हूँ। और ये है श्रेया, आपने इसको मेरे बहुत सारे व्लॉग में देखा होगा। से हाय श्रेया, से हाय। हाय हाय। एंड अभी गणपति बप्पा की स्थापना नहीं हुई है क्योंकि अभी पंडित जी आए हैं। हमारे घर में पंडित जी हमेशा लेट आते हैं। सो अभी पंडित जी आए हैं, अभी हम लोग स्थापना करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको मंडप और मैं आपको हमने जैसी रंगोली बनाई है वो सारी चीज़ें बताऊंगी। तो एंड मेरे घर में वन एंड हाफ डेज की गणपति होती है। सो आज गणपति पप्पा आते हैं और दूसरे दिन चले भी जाते हैं। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा गणपति पप्पा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका तो नहीं मिलता, बट अभी हम लोग जाएंगे स्थापना करेंगे, थोड़ी पूजा करेंगे उनकी और फिर उसके बाद थोड़ा काम करेंगे। लेट्स गो। रंगोली जो मैं सुबह उठ के बनाई एंड दिस इज हाउ द एंट्रेंस लुक्स। चलो घर चलते हैं। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन जमता। मम्मी कहाँ बना रही? मम्मी खाना, रोटी
रोटी भाजी चावल और मैडम खीर, ये है आलू फ्लावर और राइस खीर और ये है दोपहर का खाना जो बच गया है क्या, चना दाल। सो गाइस आज का दिन तो ऐसे ही खत्म हो गया, सबको मतलब सारे मेहमान आते रहे और गणपति पापा के साथ पूरा दिन ऐसे ही खत्म हो गया है। तो अभी हम लोग को सिर्फ खाना खाना बाकी है और थोड़ा सा सबको खाना खिलाना बाकी है और थोड़ा सा काम बाकी है, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे और फिर मैं आपसे मिलूंगी कल, क्योंकि आज मैं पूरा दिन व्लॉग नहीं कर पाई हूँ, बट आई विल ट्राई कि कल मैं व्लॉग करूंगी, क्योंकि कल लास्ट डे है गणपति का और मैं कोशिश करूंगी कि मैं व्लॉग करूं और कल गणपति पापा चले भी जाएंगे। गाइस मैं मिलूंगी आपको कल, अभी खाना वाना खिला लेती हूँ, अगर मैं कुछ शूट कर पाई तो मैं शूट करूंगी और हमें भगवान को भी नैवेद्य चढ़ा दिया है और मैं आपसे मिलूंगी कल पूजे में, क्योंकि कल घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी। सो यस मिलते हैं कल। हेलो गाइस, सो आज है नेक्स्ट डे और डोंट माइंड माय वॉइस, क्योंकि अभी ये बैठ गया है, हमेशा से गणपति के नेक्स्ट डे मेरे साथ ऐसे ही होता है, पहले दिन मैं बहुत चिल्लाती हूँ और दूसरे दिन मेरा गला जो है वो बैठ जाता है एंड मैं दो दिन से ठीक भी नहीं थी, तो अभी थोड़ा सा उसका, बट अभी ये नेक्स्ट डे है, मतलब आज सेकेंड डे है गणपति का और हम लोग घर में सिर्फ 1.5 डेज ही होती है गणपति। सो इतना सो दिस इज त्रिशा, आप लोग हमेशा इन दोनों को मेरे गणपति ब्लॉग में देखते होंगे, क्योंकि गणपति ब्लॉग में लोग हमेशा मेरे साथ ही होते हैं एंड शी इज श्रेया, कल से मेरे साथ ही है। सो मैं स्टेयर के स्पेस के लिए बैठ के बात करती हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारे गेस्ट होते हैं और मैं बात नहीं कर पाती, बहुत शोर होता है, इसलिए मैं स्टेयर केस पे बैठ के बात करती हूँ और ये बच्चे मेरे साथ ही होते हैं स्टेयर केस पे हर जगह। सो मैं मुंह पे कुछ लगाती नहीं हूँ, मोस्टली सिर्फ काजल एंड लिपस्टिक एंड अभी हम लोग वेट करें कि पंडित जी आएंगे और फिर हम लोग सत्य नारायण भगवान की जो पूजा है वो करेंगे और फिर उसके बाद सबको खाना खिलाएंगे और फिर जब हवन ठंडा होगा तब जाके हम विसर्जन करेंगे। तो यस गाइस, मेरा मोस्टली जो गणपति व्लॉग होता है उसमें मैं बात नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि पूरा दिन बहुत काम होता है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो गणपति जी जब आते हैं कितना अच्छा लगता है ना घर में। हाँ और त्रिशा बोलो ए आई, गणपति पापा आले। सो यस ये नया नया सीखी है। सो अभी हम लोग सुबह की आरती कर चुके हैं, अभी जब पंडित जी आएंगे तब भगवान को भोग लगाएंगे और फिर उसके बाद, और ऑल्सो अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं बाहर बैठकर अभी ही बात कर रही हूँ, क्योंकि बाद में और भी ज़्यादा शोर हो जाएगा, पता नहीं, क्योंकि हम लोग के फ्लोर पर बहुत सारी गणपति होती है तो सबके घर में बहुत सारे लोग आते हैं हम लोग के घर पे, तो मे भी मैं बिजी रहूँ, तो मैं आपके साथ सारी चीज़ें हवन पूजा सत्यनारायण भगवान की कथा सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगी एंड मैं मिलूँगी आपको बाद में जब भी मैं फ्री हूँ। सो यस आई होप आपको ये जो वीडियो था अब तक पसंद आया हो, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा हुआ नहीं है कुछ, बट आई स्टिल होप कि आपको अच्छा लगा हो। ओम नमः 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 ओम नमः
नमस्ते नमः ओम राधाय नमः ओम राधामूलाय नमः ओम जयाय नमः। अरे चाची मेरा बाल बना रही है, कब से बाल बिखरे हुए थे चाची, आज सबका बाल बनाने में लगी हुई है। हम लोग जब भी छोटे थे, जब चाची शादी करके आई थी तो चाची हम लोग का बाल बनाती थी, और अभी हम लोग बड़े हो गए तो अभी हम लोग खुद से बना लेते, बट आज चाची फ्री बैठी है, मैंने बोला आज मेरा बाल बना दो। Thank you.